राजधानी दिल्ली में सड़कों से प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों से पुरानी हो चुके दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों को जब्त किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम ने गलियों और सड़कों से पुराने हो चुके वाहनों को ठिकाने लगाने के लिए कावर से संबंधित सिविक एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। निगम अधिकारियों का कहना है, अब तक पूर्वी दिल्ली के शाहदरा साउथ जोन के तहत 350 गाड़ियों को जब्त किया जा चुका है, जिसे संबंधित कावर एजेंसी स्क्रैप के लिए प्रीतमपुरा स्थित गोडाउन ले जाया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम शाहदरा साउथ जोन के एसी रूबल सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा 10 साल से पुरानी और 15 साल से पुरानी डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को एनजीटी के निर्देश पर सड़कों और गलियों से जब्त किया जा रहा और उसे संबंधित एजेंसी प्रीतमपुरा गोडाउन स्क्रैप के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। 10 साल से पुरानी और 15 साल से पुरानी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को एनजीटी के ऑर्डर के बाद दिल्ली की सड़कों पर और जो पब्लिक लैंड है उस पर खड़ी करने के आदेश थे कि वो नहीं खड़ी हो सकती है, तो उसके लिए हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके तहत हम जो ये कंपनी है पाइन व्यू, वो गाड़ियाँ को यहाँ से जब्त करती है और पहले उसको नोटिस दिया जाता है और उसको क्लेमेंट को जो वैल्यू है वो उसको दे देती है जी। जब्त करके ये सारी गाड़ियाँ पीतमपुरा की उनके गोडाउन में लेकर के जाते हैं और उसके बाद वो नोटिस अखबार में भी निकालते हैं। क्लेमेंट अगर वो नोटिस पढ़ करके आता है उसको कुछ समय दिया जाता है, पूरा रूल बाउंड प्रोसीजर से कार्य होता है, और अगर वो किसी उससे नहीं आता तो उसको गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाता है। फिर बाद में जब आता है तब उसको तब क्लेम मिल जाता है, क्योंकि जो पुरानी गाड़ियाँ जो एनजीटी के रूल्स में कवर होती हैं, जो जिसकी एक इन्फॉर्मेशन ट्रैफिक के पास भी रहती है, उनको भी पूरी लिस्ट होती है उनके पास जो पुरानी गाड़ियाँ 10 और 15 साल से पुरानी हैं। कोई भी गाड़ी वाले को शिकायत होती है वो पुलिस से कंफर्म भी कर सकता है कि ये गाड़ी 10 साल पुरानी है या 15 साल पुरानी जी। हमारे पास 350 गाड़ियों के आसपास का डेटा भी है जो हमारे यहाँ से जब्त कर चुके हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।